विधानसभा कोटद्वार के मोटा ढाक में पशुपालन विभाग पूरी गढ़वाल द्वारा कोटद्वार में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान और पशुधन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री के समक्ष विभिन्न प्रकार की मांगों को रखा, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रखी गई सभी मांगों को स्वीकृत करने की घोषणा की। कोटद्वार राजेंद्र खतवाल की रिपोर्ट। इस बार जो है रिवर्स देखने को मिला है कि पर्वतीय जिलों में ज्यादा है, तराई क्षेत्रों में कम है। अभी तक जो है उत्तराखंड लास्ट टाइम जो है लंपी स्किन डिजीज में हमने बहुत अच्छा काम किया था। हम पूरे देश में केंद्र सरकार की रिपोर्ट से उत्तराखंड नंबर वन थी लंपी स्किन डिजीज में। हमारी रिकवरी दर 97.5% थी, हमारी डेथ रेट 2.5% थी। इस बार भी लंपी स्किन डिजीज में लगातार हमारे वैक्सीनेशन चल रहे हैं। अभी तक हम 13 लाख के आसपास वैक्सीनेशन कर चुके हैं, बूस्टर डोज हमने लगाने शुरू कर दिए हैं और उससे हमको फ़ायदा भी क्या हुआ है बूस्टर डोज से कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन गिरा था, जिस एनिमल को बूस्टर डोज लग रहा है उसका मिल्क प्रोडक्शन वापस बढ़ रहा है। 8,000 लीटर तक हमारा नैनीताल जिले में रिकवर हुआ है बूस्टर डोज लगने के बाद। तो 13 लाख वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। टोटल जो अभी जानवरों की डेथ हुई है वो लगभग 7